हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था, उसमें मैं पढ़ा रहा था रियल नंबर। क्या पढ़ा रहा था? रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दिया है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है, क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ाया है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो लेक्चर हमारा देख लीजिए। इस लेक्चर में हम लेके आए हैं क्लास 10th की NCERT एक्सरसाइज नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज यूक्लिड्स, क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन, क्या यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ, फाइंड HCF ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है 135 टू 225। क्या है? 135 एंड 225। क्या है? 125। इससे हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए हमारा क्या होता है? डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड होता है। बी हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है। इंटू क्यू क्या होता है? कोशेंट होता है, कोशेंट होता है। और आर क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। इसी मेथड से हम HCF निकालना सीखेंगे। यहाँ पर जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, कंडीशन होता है वेयर जीरो स्मॉलर देन आर स्मॉलर देन बी। बी क्या होता है? डिवाइजर। और क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो चलिए हम इसको इससे हेल्प से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 135 जो बड़ा नंबर होता है, हम उसको बीच में लिखते हैं 225 डिवाइडेंड में। जब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से हमें HCF निकालना सीखेंगे। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। चलिए कितने बार जाएगा हमारा ये देखते हैं। 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार ज्यादा हो जाएगा तो हम 1 बार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 135, 135। यहाँ से हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 जीरो, यहाँ 12, यहाँ 1 हासिल होगा। क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 3 गई 9, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 90 आ गया, रिमाइंडर हमारा 90 आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे इसको, हम ए प्लस बी क्यू प्लस आर, क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो लेस देन आर और लेस देन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा ए क्या होगा? 225, 225। और बी क्या होगा हमारा? 135, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं। क्यू क्या होगा? कोशेंट कितना है? 1 है। प्लस रिमाइंडर कितना है? 90 है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इसी में जो स्मॉलेस्ट स्टेप आएगा वही हमारा HCF होगा। अब फिर हम 135 को डिवाइजर के रूप में लेंगे, 135। अब हम कितनी बार जाएगा ये? 1 बार जाएगा, 90 आया, 5 में 0 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ 13 में 9 जाएगा 4 आएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप को ए प्लस बी क्यू के आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 135, 135, और बी इक्वल टू क्या है? 90 है, 90 है, इंटू क्यू इक्वल टू 1 है, और प्लस आर, आर इक्वल टू 45 है। अब देखेंगे हमारा क्या होगा। 90 को अब हम डिवाइडर के रूप में लेंगे, 90 को हम क्या लेंगे? डिवाइडर के रूप में लेंगे। अब हमारा 45 टू जा
90। देखिए हमारे को कुछ नहीं बचता है, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्या होगा लास्ट स्टेप होगा। इसको हम ए प्लस बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे होगा 90 इक्वल टू 45 हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर है क्या है हमारा 45 ठीक है, और 2 45 हमारा क्या है डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है 2 है, प्लस कमेंट क्या है 0 है। तेईस हमारा आप देखिए क्या था क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा क्या है स्मॉल स्टेप में, एचसीएफ हमारा 45 होगा, ये हमारा स्मॉल स्टेप है। अब हमारा क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, यहीं से हमारा क्या गया एचसीएफ 45 बचेगा, क्या बचेगा 45 हमारा डिवाइड क्या था 90 था, 45 बचेगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 45। यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट लाते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम सेकंड पार्ट लेके आते हैं बच्चों। इसी का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा उसको हम देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा 196 एंड 38220 क्या है 196 38220। अब इसके हिसाब इसके अब इसी को देखेंगे फाइंड आउट एचसीएफ करेंगे, क्या होता है हमारा कंडीशन क्या होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर वेयर 0 आर ग्रेटर देन स्मॉलर देन डिवाइजर। अब इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे जहाँ पे हमारा क्या होता है डिवाइडेंड होता है, बी हमारा डिवाइजर होता है, क्यू क्वेश्चन होता है यार रिमाइंडर होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 196 डिवाइड 38220 इसको लिखते हैं कितने बार जाएगा, ये हमारा दो बार तो जाएगा ना 38220 के लेंगे तो एक बार हम इसको ले जाएंगे, एक बार कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा 196 आ गया, क्या आ गया बच्चों 196। अब देखिए क्या होगा 12 में से 6 गई 6, अब यहाँ क्या बच्चा 17 में से 9 गई 8, 2 में से 1 गई 1, अब क्या उतारेंगे यहाँ हम 2 उतारेंगे, अब कितने बार जाएगा बच्चों ये 5 बार ले जाएंगे 8, 9 बार ले जाते हैं 9 बार 9 6 54 9 9 88 86 9 91 10 कितने बार जाएगा बच्चों क्या है हमारा 1860 9 बार ले जाके देखते हैं 9 6 54 कहीं 4 हाथी लगा 5 9 9 88 186 9 91 10 8 17 सही है ना बच्चों 9 6 54 9 9 88 186 9 91 9 8 17 तो 12 में से 4 गई 8 15 में से 6 गई 9 अब यहाँ क्या हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा 17 में 17 कैंसिल आउट। अब देखिए बच्चों ये हो गया हमने 2 उतारा था, अब क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 0, अब कई बार जाएगा ये, अब देखिए बच्चों कई बार जाएगा 5 बार जाएगा क्या 5 बार ले जाते हैं 5 36 5 9 45 45 3 38 5 1 5 4 नौ, देखिए हमारा ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया, क्या ये क्वेश्चन हमारा एक ही स्टेप में खत्म हो गया। इसका हम क्या हो जाएगा ए पॉइंट क्या हो जाएगा डिवाइडेंड क्या है 38220 इक्वल टू बी डिवाइजर क्या है 196 कोसेंट क्या है 195 इंटू रिमाइंडर क्या है
जीरो। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप में खत्म हो गया, हमारा जीरो तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा 196, एच सी एफ क्या हो जाएगा 196 हमारा एच सी एफ हो जाएगा। बच्चों इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम आगे लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट हम आप क्वेश्चन को कराते हैं, बहुत ही प्लस डिवीजन नियम के क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरह आप एच सी एफ निकाल सकते हैं। एक ये मेथड होता है, एक एच सी एफ निकालने का मेथड क्या होता है, आप एक एच सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या होगा बच्चों, 867225, क्या 867225 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म ले जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वेयर जीरो स्मॉलर देन रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर बी। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, क्या हो जाएगा, जो डिवाइडेंड है उसको हम 20 में लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है डिवाइड में जाता है, 225867। तो इस क्वेश्चन करते हैं, कई बार जाएगा ये, तीन बार इसको ले जाते हैं, 3 5 15, 3 2 6 107, 3 2 6, ठीक है बच्चों, 3 बार गया तो माइनस करेंगे, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 आया। अब यहाँ 6 6 में 7 जाएगा नहीं तो 1 कैरी होगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 16 में 7 जाए कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, 16 में 16 में 7 बचेगा, नहीं 16 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, अब 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब देखिए फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू क्या है 867, 867 इक्वल टू बी, हमारा डिवीजन क्या है 225 इंटू क्वेश्चन क्या है 3 है, रिमाइंडर क्या है 192 है। देखिए एक स्टेप ज़्यादा जा रहा है, अब हम डिवाइजर में क्या लेंगे 225, 225। अब देखिए 192 है, 225 है, 2 बार तो जाएगा नहीं, अब एक ही बार ले जाएंगे, एक बार गया 192 आया, 5 में 2 माइनस होगा 3 होगा, 5 में 2, अब 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो कैरी होगा 12 हो जाएगा, 12 में 9 जाएगा 3 आएगा, यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया, दो स्टेप हो गए, ए इक्वल टू डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या है हमारा 225 है और डिवाइजर क्या है 192 है और इंटू कॉन्स्टेंट 1 है प्लस 133 हमारा रिमाइंडर है। तो तीसरा स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या होगा 192 होगा, डिवाइडेंड हमारा क्या होगा, डिवाइडेंड हमारा 192 होगा। अब देखिए कई बार में जाएगा 3 5 बार ले जाते हैं, 6 बार, 6 3 18 नहीं 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 16, अब 12 में 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 गई 7, यहाँ 8 बजेगा, 8 में 6 गई 2, अब कैंसिल आउट, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा डिवाइडेंड क्या है 33 है, डिवाइजर क्या है नहीं 192 है, डिवाइडेंड क्या है बच्चों 192 इक्वल टू क्या है हमारा डिवाइजर 33 5 प्लस 27 हमारे रिमाइंडर है। अब देखिए एक स्टेप से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा 27 है, अब हमारा डिवाइजर क्या होगा 33 होगा, अब हम इसको एक बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा 27 होगा
अब 13 में से 7 महीने 6 बचेगा, अब यहाँ कुछ होगा नहीं, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में देखिए एक स्टेप से ज़्यादा जा रहे, फोर्थ स्टेप हो गया। हमारा डिवाइडेंड क्या होगा, 33 = 2, डिवाइजर 27 × cosec 1 प्लस रिमाइंडर 6 हुआ। अब हम यहाँ 27 को लेंगे, 27 हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा। अब कई बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 × 6 = 24, अब 7 में से 4 नहीं 3, 2 में से 1 नहीं, कैंसिल आउट। ये हमारा पांचवा स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप। अब पांचवा स्टेप में क्या है, डिवाइडेंड 27, क्या है 27 डिवाइडर क्या है 6 है, इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 3 है। अब हमारा लास्ट स्टेप बस बचा है, अब यहाँ 6 लेंगे, डिवाइडेंड हमारा क्या होगा 6 होगा, 3 × 2 = 6, अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आएगा। अब यहाँ हमारे हम जान जाएंगे जब डिवाइड रिमाइंडर में 0 आएगा, हम जान जाएंगे हमारे लास्ट स्टेप है, तो 3 में 3 × 2 = 6 कैंसिल आउट हो गया। हम जानेंगे हमारा लास्ट स्टेप क्या है, 6 = 3 × 2 + 0। हमारा जान गए का स्टेप गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एट्थ स्टेप, सिक्स स्टेप। ये हमारा क्वेश्चन 6 स्टेप में गया, लंबा क्वेश्चन था। हमारा स्मॉल स्टेप क्या है, 3 है, 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारा लेक्चर यहीं तक था, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम अपना एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर कराते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन लेके आते हैं लेक्चर नंबर 2 में। धन्यवाद बच्चों।